आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ विंटर स्पेशल और सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली सुपर टेस्टी क्रिस्पी खस्ता और क्रंची एकदम बाजार जैसी मूंगफली की चिक्की। मैं आपके साथ शेयर करूंगी हर एक स्टेप पे बहुत ही जरूरी सीक्रेट टिप्स, जिससे कि आपकी मूंगफली की चिक्की 100% क्रिस्पी खस्ता और एक ही बार में परफेक्ट बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्रिस्पी क्रंची मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगी मूंगफली। तो यहाँ मैंने ये कच्ची वाली मूंगफली ली है। चिक्की के लिए बस सिंपल आप ये जो बाजार में कच्ची वाली रॉ मूंगफली मिलती है ना, वो ले लीजिए। मेजरमेंट के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप घर की कोई भी कटोरी या कोई कप सेट कर लीजिए, पूरा मेजरमेंट आप उसी अनुसार ले लीजिए, आपको वजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में परफेक्ट रेशो आपका सेट हो जाएगा। तो मैंने ये वाली जो कटोरी है इन्हें सेट कर लिया है। तो ये मैंने ली है 2 कटोरी कच्ची वाली मूंगफली। मूंगफली को सबसे पहले हमें करना होगा ड्राई रोस्ट, यानी कि हमें इसको इसी तरह भूनना होगा। अब आप गैस पर चढ़ाइए एक कढ़ाई या पैन और फ्लेम को कर दीजिए लो मीडियम। इसमें हम डालेंगे हमने जो 2 कटोरी मूंगफली ली ना, बस वो आप इसमें डाल दीजिए। सबसे जरूरी टिप, मूंगफली को हमें लो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए ही भूनना है, जिससे कि सब तरफ से चारों तरफ से बढ़िया रोस्ट हो और जले नहीं, क्योंकि अगर आपने इसको हाई फ्लेम पर भून दिया ऊपर से बहुत जल्दी लाल हो जाएंगी, अंदर से इसमें कच्चापन रहेगा, तो जब आप चिक्की बनाएंगे तो उसमें वो क्रंच नहीं आएगा। दूसरा क्या होगा कि जैसे आपने जल्दी हाई फ्लेम पर इसको फटाफट से भून लिया, तो जब आप इसका ये छिलका उतारेंगे आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, छिलका आसानी से उतरेगा नहीं। तो ये सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जा रही हूँ। ये देख रहे हैं ना, मूंगफली ने फटना शुरू कर दिया है, यानी कि मूंगफली भून रही है बिल्कुल बढ़िया से। और ये लीजिए, 5 मिनट मूंगफली को भूनने में आपको लगेगा। तो बस गैस को ऑफ करेंगे और मूंगफली को मैं निकाल रही हूँ एक कपड़े पर, आप प्लेट पर भी निकाल सकते हैं, और मूंगफली को हल्का सा हम ठंडा होने देंगे, जिससे कि आसानी से हम इसका ये लाल वाला छिलका हटा पाए। और ये लीजिए, मूंगफली हो गई है हमारी ठंडी। तो बस इस तरह हाथ से रगड़ के आप इसका छिलका हटा सकते हैं, या फिर बहुत ही आसान तरीका, इस कपड़े को सब तरफ से इस तरह पकड़िए और बस हाथ से इस तरह रगड़ के सारा छिलका आसानी से फटाफट हट जाएगा, बहुत ही आसान तरीका। और इस तरह से हम सारा छिलका हटा लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं सारी मूंगफली फटाफट से साफ हो गई। अब आप लीजिए एक छानने वाली छलनी और छलनी पर बस इस तरह से मूंगफली को डालिए और फटाफट से मूंगफली को आप छान सकते हैं, जितना भी इसका छिलका है वो नीचे रह जाएगा और साफ मूंगफली हम एक प्लेट पर निकाल लेंगे। है ना आसान? चाहे तो किसी भी जो छेद वाली बास्केट होती है उससे भी आप ये काम कर सकते हैं, या फिर आप प्लेट पर रखकर छटक करके भी छिलके को हटा सकते हैं। और बस इस तरीके से हम मूंगफली को क्रश कर लेंगे, जिससे कि ये 2 भाग में डिवाइड हो जाएं। तो या तो आप इस तरह हाथ से कर लीजिए, या फिर सबसे सरल तरीका, आप लीजिए एक कटोरी और इस तरह से प्रेस करते हुए बिल्कुल हल्के हाथ से आप मूंगफली को क्रश कर लें, क्योंकि आपने देखा है ना बाजार की चिक्की में हल्की क्रश्ड मूंगफली रहती है। ये लीजिए, तो मूंगफली हो गई है हमारी रेडी। तो इसको फिलहाल रख देते हैं अलग। अब हम लेंगे एक इस तरीके की प्लास्टिक शीट अपनी मूंगफली की चिक्की को जमाने के लिए। आप चाहें तो प्लास्टिक शीट ले लें, या फिर आप बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर भी ले सकते हैं, या फॉइल पेपर भी लिया जा सकता है, या फिर आप एक थाली लीजिए, थाली की बैक साइड में घी लगाइए, उस पर भी आप जमा सकते हैं। प्लास्टिक शीट पे ये है कि आसानी से आप मूंगफली की चिक्की को निकाल सकते हैं जमने के बाद। तो बस इस तरीके की प्लास्टिक शीट सबके घर में रहती है, तो बस एक शीट लें और इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा घी, और घी डाल करके आप बढ़िया से शीट को ग्रीस कर लें। अब आप लें एक और इस तरीके की प्लास्टिक शीट, और प्लास्टिक शीट को भी मैंने घी लगा करके ग्रीस कर लिया है, जिससे कि हम जब चिक्की को जमाएंगे तो इस प्लास्टिक शीट को उसके ऊपर रख करके हम इजीली उसको स्प्रेड कर पाएंगे। दोनों ही प्लास्टिक शीट पर मैंने घी लगा कर ग्रीस करके तैयार कर लिया है, क्योंकि मूंगफली की चिक्की बनने के बाद बहुत जल्दी सेट होने लगती है, इसलिए ये काम आप पहले करके रखें। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम लेंगे जैगरी, यानी कि गुड़। ये मैंने देसी वाला गुड़ लिया है। जो कटोरी से हमने मूंगफली ली थी उसी कटोरी से आपको 2 कटोरी गुड़ लेना है, यानी मूंगफली और गुड़ का रेशो बराबर रहेगा, 2 कटोरी मूंगफली तो 2 कटोरी गुड़। आप कोशिश करें कि देसी वाला जो अच्छा गुड़ होता है वही लें। मूंगफली की चिक्की जितना अच्छा आप गुड़ लेंगे उससे उसका रिजल्ट भी बढ़िया आएगा।
अब यहाँ पर जरूरी पॉइंट, जो भी गुड़ आप लेंगे उसको आपको क्रश करके लेना है, यानी या तो ग्रेटर से ग्रेट कर लें या उसे क्रश कर लें। इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा, बहुत देर तक गुड़ को पकाना नहीं पड़ेगा, तुरंत ही ये मेल्ट हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी जो चिक्की खराब होती है उसका एक रीजन ये भी रहता है कि गुड़ के बड़े बड़े पीसेस लेने के कारण उसे बहुत देर तक पका लेते हैं, जिससे गुड़ कड़वा हो जाता है और जलने लगता है। अब आप गैस पर रखें एक कढ़ाई, फ्लेम को कर देंगे लो मीडियम, और कढ़ाई में अब हम डालेंगे गुड़, सारा क्रश्ड गुड़ हम इसमें डाल देंगे। सिंपली बस इसी तरह डालना है और गुड़ हमारा बढ़िया से मेल्ट हो जाए इसके लिए मैं डाल रही हूँ एक बड़ा चम्मच पानी। बस थोड़ा ही पानी डालना है, लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर हम गुड़ को पिघला लेंगे। चलाना जरूर है वरना आपका गुड़ जल सकता है। इस तरीके से लगातार चलाते हुए गुड़ जल्दी मेल्ट भी होगा और एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। फ्लेम को बिल्कुल यहाँ लो रखें, अगर आपने हाई फ्लेम पर गुड़ को पकाया तो बहुत जल्दी काला सा पड़ने लगेगा और जल जाएगा। और ये देखिए गुड़ हमारा बिल्कुल बढ़िया से मेल्ट हो गया है लो फ्लेम पर। थोड़ा सा और पकाएंगे, कुछ ही देर में आप देखेंगे इसमें बबल्स आने लगेंगे, यानी झाग आने लगेंगे और इसका धीरे धीरे कलर चेंज होने लगेगा। लगभग 3 से 4 मिनट आप गुड़ को इसी तरह पका लें और ये देखिए एकदम बढ़िया बबल्स इसमें आ रहे हैं और कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। बहुत ही जल्दी ये मूंगफली की चिक्की बन जाती है। सर्दियों के लिए तो बहुत ही बढ़िया चीज है क्योंकि गुड़ और मूंगफली दोनों ही बहुत ही लाभकारी होते हैं। गुड़ से हमें ढेर सारा मिलता है आयरन जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है और मूंगफली में होता है बहुत सारा प्रोटीन। विंटर में ये शरीर को गर्मी प्रदान करता है और रोगों से दूर रखता है। तो बस इस तरह लगातार चलाते हुए थोड़ा सा और पकाएंगे। मैं सारे स्टेप्स आपको इसलिए बता रही हूँ जिससे कि जब आप मूंगफली की चिक्की बनाए आपकी चिक्की ना तो रबड़ी बने, जो होता है ना कि खिची खिची बन गई, दांतों में चिपक रही है, वो कोई परेशानी नहीं होगी। तो अभी हम इस स्टेज पर करेंगे एक टेस्ट कि हमारे गुड़ की कंसिस्टेंसी परफेक्ट है या नहीं। यहां मैंने लिया है एक बोल में ठंडा पानी, नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं, कुछ बूंद गुड़ की आप इसमें डालकर देखिए। 3 से 4 सेकंड रुकिए और इस तरह से उंगली से इकट्ठा करते हुए इसकी कंसिस्टेंसी को हम चेक करेंगे। ये देखिए अभी ये बिल्कुल सॉफ्ट है, ये ब्रेक नहीं हो रहा, इसको टॉफी की तरह टूटना चाहिए, यानी अभी हमें गुड़ को और पकाना होगा। अभी ये मुलायम है तो वापस से हम गुड़ को अभी और पकाएंगे। हर 2-2 मिनट पर आप ये टेस्ट जरूर करते रहें जिससे कि जो कंसिस्टेंसी है गुड़ की वो बिल्कुल परफेक्ट रहे और आपकी चिक्की एकदम क्रिस्पी क्रंची और खस्ता बने। और इसी स्टेज पर जब हमारी चिक्की के लिए गुड़ बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आने वाला हो, इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच घी। घी से मूंगफली की चिक्की में बढ़िया सी बाजार जैसी शाइन यानी ग्लेज आ जाएगा। वो देखते हैं ना मार्केट की चिक्की शाइनी सी होती है, बस उसके लिए। अब बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, बगैर घी के भी आप इसे तैयार कर सकते हैं। और बस लगातार थोड़ा और चलाएंगे, बढ़िया बबल्स उठ रहे हैं। फिर से चेक करते हैं, बोल में ठंडा पानी लेके वापिस से इस तरह से इकट्ठा करते हुए इसे एक बार फिर चेक करेंगे। ये देखिए अब मैं इसको तोड़ रही हूँ तो देखिए टूट रहा है, जैसे टॉफी होती है ना बिल्कुल उस तरह से, ग्लास या आप क्रिस्टल बोल सकते हैं, बिल्कुल ब्रेक हो रहा है बढ़िया से। यही एक सबसे बड़ी चीज है जो आपकी मूंगफली की चिक्की को या तो बढ़िया बना देगी या वो खराब हो जाएगी। तो इस बात का आप पूरा ध्यान रखें कि इस स्टेज तक ही आपको गुड़ को पकाना है। और आप देख सकते हैं कुछ ही सेकंड में ये देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है हमारे गुड़ का। और इस स्टेज पर गैस को बिल्कुल लो करते हुए आप डाल दें सारी भुनी हुई वाली मूंगफली और फटाफट से मूंगफली और गुड़ को मिक्स करेंगे। जल्दी सब हमें ये काम करना है क्योंकि चिक्की बहुत ही जल्दी जमने लगती है। गैस को कर दीजिए अब ऑफ और अच्छे से मूंगफली को मिला लीजिए बंद गैस पर और अपनी ग्रीस्ड प्लास्टिक वाली शीट पर पूरे मिक्स को निकाल लेंगे। ये देखिए है ना एकदम परफेक्ट शाइनी और ग्लेज के साथ एकदम बढ़िया कंसिस्टेंसी। एक चम्मच स्पैटुला से इसको पूरे में करें स्प्रेड, जितनी भी थिकनेस आपको रखनी है मोटी पतली उस हिसाब से आप चिक्की को फैला लें। सबसे आसान तरीका एक स्टील की चम्मच के पीछे आप थोड़ा सा घी लगा करके इस तरह से दबा दबा करके उसको स्प्रेड कर लें, इससे हमारी चिक्की चिपकेगी भी नहीं और इजीली स्प्रेड हो जाएगी। और अब आप वो जो प्लास्टिक शीट हमने दूसरी रखी थी ना घी लगा करके उसको लगाइए, घी वाला पोर्शन नीचे, और एक बेलन से हम पूरी चिक्की को बराबर स्प्रेड कर लेंगे। ऑयल या घी लगा लें बेलन पर और इस तरह से धीरे धीरे चिक्की को फैला लें। बहुत ही जल्दी चिक्की सेट होती है इसलिए ये सारा काम हमें जल्दी करना है। परफेक्ट थिकनेस मैंने इसकी मीडियम ही रखी है जैसे बाजार की मूंगफली की चिक्की की होती है। अब शीट हम हटा लेंगे, घी लगा रखा था ना शीट पे तो इजीली शीट हमारी हट गई। बनी है ना एकदम परफेक्ट,
सारी टिप्स फॉलो करके आप बनाइएगा, इस बार आपकी चिक्की एक ही बार में परफेक्ट बनेगी। अब इस स्टेज पर फटाफट से हम एक नाइफ से चिक्की में कट मार्क्स लगा लेंगे, जिससे कि जमने के बाद चिक्की आसानी से पीसेस में अलग अलग हो जाए, क्योंकि अगर आप बाद में कट करेंगे तो पूरी चिक्की आपकी टूट जाएगी, इसलिए पहले ही इस पर मार्क लगा लें। जितने छोटे बड़े पीसेस आपको करने हैं उस हिसाब से आप चिक्की में मार्क लगा सकते हैं। मैं स्क्वायर पीसेस कर रही हूँ। ये देखिए चिक्की को मैंने परफेक्टली कट मार्क्स लगा करके तैयार कर लिया है। अब हम बढ़िया से चिक्की को ठंडा होने देंगे। जब ये पूरी तरीके से सेट हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, उसके बाद ही हम पीसेस को अलग करेंगे। एकदम मूंगफली से भरी भरी हमारी चिक्की बनी है, जैसे बाजार की होती है। और ये लीजिए, हमारी चिक्की बढ़िया से ठंडी होके सेट हो गई है। लगभग सेट होने में आधा घंटे से एक घंटे तक का समय लगेगा इसको। जब बढ़िया से चिक्की ठंडी हो जाए उसके बाद ही आप इसके पीसेस को अलग करें। परफेक्ट हमारी मूंगफली की चिक्की मार्केट जैसी शाइनी ग्लेज के साथ है बिल्कुल तैयार। और ये देखिए, ये पीस एक अलग हो गया है, मैं आपको इसी से दिखाती हूँ। देखिए, सुनिए आपने आवाज, एकदम परफेक्ट। देखिए जब आप ऐसे इसको उठा रहे हैं बिल्कुल भी ये सॉफ्ट नहीं आपको फील आएगी, एकदम पापड़ की तरह ये देखिए उठ रही है। यही इंडिकेशन है कि मूंगफली की चिक्की रेडी है। और मैं आपको पलट कर भी दिखा देती हूँ, इजीली हमारी चिक्की निकल आई। और ये देखिए इसकी बैक साइड, इस तरह से ये देखिए परफेक्ट। मैं आपको बिल्कुल नजदीक से दिखाती हूँ, देखिए ये टेक्सचर आएगा खस्ता क्रिस्पी क्रंची। ये देखिए, मैं आपको एक पीस यही वाला दिखाती हूँ, शाइनी ग्लेज, परफेक्ट लुकिंग और टेक्सचर। ये देखिए, देख रहे हैं आवाज, एकदम क्रिस्प। ये देखिए इस तरीके की ट्रांसपेरेंट, ये देख रहे हैं ना, कांच जैसी लुकिंग ये आनी चाहिए। ये है परफेक्ट मूंगफली की चिक्की का इंडिकेशन। ये देखिए, ना बहुत ज्यादा हार्ड और परफेक्ट खस्तापन जो एक बिस्किट का होता है, बिल्कुल ऐसी हमारी मूंगफली की चिक्की तैयार हुई है। इसी तरह हम सारे पीसेस को अलग कर लेंगे। देखिए इसकी आवाज, तो सभी पीसेस को इस तरह से अलग कर लेंगे। और ये एक पीस मैं आपको खाकर भी दिखा देती हूँ, हमारी मूंगफली की चिक्की कितनी खस्ता बनी है। तो ये लीजिए, बिल्कुल तैयार है हमारी बाजार जैसी, बल्कि बाजार से बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी क्रंची खस्ता मूंगफली की चिक्की। और आप देख सकते हैं इसका कलर, इसका टेक्सचर, हर तरफ से एकदम परफेक्ट सुपर चिक्की बनी है। फ्रेंड्स, मेरी सारी फॉलो टिप्स करके आप बनाइए, आपकी मूंगफली की चिक्की पहली बार में ही परफेक्ट बनेगी। और वो जो शिकायत होती है ना कि चिक्की जब स्टोर करते हैं तो आपस में चिपक रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप लीजिए इस तरह से कोई भी फॉइल पेपर या बटर पेपर ले लीजिए और चिक्की को इस तरह पैक करके आप बॉक्स में रख दें, इससे चिक्की आपस में चिपकेंगी नहीं, अंदर तक खस्ता बनी रहेंगी काफी दिनों तक। और इस तरह बना करके आप एक एयरटाइट बॉक्स में भर करके रख लें, चिक्की काफी दिनों तक बढ़िया खस्ता और क्रंची बनी रहती है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 ढेर सारे लाइक कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड्स साइट पर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और इसी तरह अपना प्यार मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी जरूर दें। सभी रेसिपीज की डिटेल्स आप मेरी वेबसाइट cookwithparul.com पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।